ठीक है साहब, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप एवरीवन इज फाइन एंड वी विल बी वेटिंग फॉर 3-4 मिनट्स फॉर अदर स्टूडेंट्स टू जॉइन। टिल देन व्हाटएवर वी डिस्कस्ड यस्टरडे यू कैन गो थ्रू दैट वंस। जो भी टॉपिक हमने अब तक कवर किए हैं इस क्लास में, आप उन सभी में एक बार देख लीजिए। कोई आपका क्वेश्चन है तो टाइप कर दीजिए बेटा, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्लीज टाइप कर दीजिए। चलिए, गुड मॉर्निंग। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं बेटा टाइप कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है जो टॉपिक सबने कल कवर किए थे या उससे लास्ट वाले लेसन में कवर किए थे। अभी तक हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर, और फाइनेंशियल सेक्टर को कवर किया है। दो टॉपिक हमने ये कवर किए हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अभी तक ये दो टॉपिक हमने कवर किए हैं। आई विल बी वेटिंग टिल 10:15 पर मैंने स्टार्ट कर देना है। Any question from anyone? Good morning. Any question from these two topics we covered yesterday, industrial sector and financial sector? Although I will be recapping them, still any question from anyone? Good morning, beta. Good morning. कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने बेटा तो पूछ लीजिए प्लीज। अदरवाइज बस अभी एक मिनट और वेट करना है, मैंने 10:15 पे स्टार्ट कर दूंगा मैं। Look at the question. नहीं पूछ रहे हैं आप क्वेश्चन, चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। नाउ Yesterday we discussed industrial sector में हमने IPR 1956 में क्या किया था बेटा, लाइसेंस लेना कंपलसरी था। हमने डिफरेंट कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर दिया था और स्मॉल सेक्टर के लिए रिजर्वेशन कर दिया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। ये हमारी तीन मेन थीम थी
और अगर आपने नोट्स लिख लिए हो या नोट्स को ध्यान से पढ़ रहे हो आप लोग, नोट्स को अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो बेटा, तो उसमें लिखा है मैंने जब डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर मेजर्स टू डीरेगुलेट द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला टॉपिक था, उसमें लिखा हुआ है डी लाइसेंसिंग डी रिजर्वेशन। ये दोनों पॉइंट मैंने उसमें लिखे हुए हैं, यानी कि लाइसेंस खत्म कर दिया गया था, कैटेगरीज ओपन कर दी गई थी अदर देन सम सिलेक्टेड कैटेगरीज और स्मॉल सेक्टर के लिए जिन गुड्स एंड सर्विसेज को हमने रिजर्व किया हुआ था वो रिजर्वेशन भी ज्यादातर कैटेगरीज में हमने खत्म कर दिया था। ये हमारे मेजर्स थे डीरेगुलेशन के। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में आरबीआई जो एक मैनेजर या रेगुलेटर का काम करता था, अब उसके काम को चेंज करके फैसिलिटेटर का काम कर दिया गया था। अभी भी कुछ चीजें आरबीआई के हाथ में रखी गवर्नमेंट ने, सो दैट पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन रहे, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहे, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ चीजें आरबीआई के हाथ में रखी। लेकिन ज्यादातर चीजों में आरबीआई ने प्राइवेट बैंक्स को या दूसरे गवर्नमेंटल बैंक्स को काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी उनकी, लाइक वो अपनी मर्जी से ब्रांच खोल सकते थे, प्राइवेट और इंटरनेशनल बैंक भी इंडिया में आ सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, और कैपिटल मार्केट में हमने एफआईआई को परमिशन दे दी थी। ये लास्ट पॉइंट था, आप नोट्स में ध्यान से देखें, दैट मींस 1991 से पहले जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, जो एफआईआई होते हैं वो किस टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं जरा मुझे बताइए। दो टाइप में, दो ऑप्शन दे रहा हूं आपको, जो सही है वो आपने टाइप कर देना है। इन दोनों में से कौन सा इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं एफआईआई या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बताएं जल्दी से टाइप कीजिए बेटा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था, बीओपी वाले चैप्टर में, कैपिटल अकाउंट, बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है, डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो। चलिए एक आंसर आया है अभी मेरे पास, आंसर कीजिए जल्दी से बेटा, टाइप ही करना होता है इसमें और क्या करना है, आंसर कीजिए जल्दी से। अब आप अपने नोट्स ढूंढने लगे होंगे, चलिए वेरी गुड, वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। ओके वेरी गुड, कीप डूइंग। ओके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं बेटा ये लोग, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग। तो आरबीआई ने एफआईआई को भी इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन दे दी थी, अलाउ कर दिया था। अब इसके बाद अगर कोई ये आपने कवर कर लिया जो हमने कल पढ़ा था, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो टाइप कीजिए जल्दी से, कोई क्वेश्चन पूछना है किसने इन दोनों टॉपिक्स में तो टाइप कर दीजिए अभी। कोई क्वेश्चन हो किसी का फ्रॉम दीज टू टॉपिक्स वी कवर्ड यस्टरडे, जो लेट ज्वाइनिंग है वो देख लीजिए, ये और ये टॉपिक हमने कल कवर किया था, इन दोनों में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो टाइप कर दीजिए बेटा, नहीं है चलिए थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं हमारा टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स का टॉपिक देखते हैं बेटा, एक्सप्लेन पोर्टफोलियो अगेन। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेटा कि जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें मैनेजमेंट कंट्रोल आपके पास नहीं होता है, मैनेज कोई और करता है, आपने सिर्फ पैसा लगाना होता है, जिसे अकाउंटेंसी में हम स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं,
दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करते हैं बेटा, ये उसी दिन वाले नोट्स में आपको मिल जाएगा। चलिए मैं पढ़ता हूं, आप अपने नोट्स देखिएगा ध्यान से। पॉइंट नंबर ए, टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न्ड विद द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज विच आर कलेक्टिवली नोन एज इट्स फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी हमने पढ़ा था, फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करती है और अपना एक्सपेंडिचर कैसे करती है, मींस गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आएगा और गवर्नमेंट उस पैसे को कैसे खर्च करेगी, इस पॉलिसी को हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। अब इसमें हमने बात कही कि गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आएगा, पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास टैक्स के थ्रू, तो इसलिए टैक्स के जो थ्रू जो पैसा आता है वो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है और गवर्नमेंट भी उसे कैसे खर्च करती है। अब दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, हम सबको पता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ये हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 9 में, सॉरी चैप्टर नंबर 10 में, जब गवर्नमेंट इनकम और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात हम लोग कर रहे थे तो ये हमने डिस्कस कर लिए थे बेटा। दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब उस वक्त डायरेक्ट टैक्सेस की क्या सिचुएशन थी देखते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, इनकम टैक्स एज वेल एज इनकम और प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, कॉर्पोरेशन टैक्स। सिंस 1991 देयर हैज बीन अ कंटीन्यूअस रिडक्शन in the taxes on individual income as it was felt that high rate of income tax were an important reason for tax evasion. पहली बार government को लगता था कि अगर हम ज़्यादा tax रखेंगे तो बहुत सारे लोग tax की चोरी करने लगेंगे, वो tax का payment नहीं करेंगे। तो अगर हम tax ही कम कर देते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो tax की चोरी नहीं करेंगे, tax का payment करने लगेंगे। पहली बार It is now widely accepted that moderate rates of income tax encourage savings and voluntary disclosure of income. Means, अगर हम tax rate कम रखते हैं तो ज्यादा लोग tax के net में आ जाते हैं, ज्यादा लोग tax pay करने लगते हैं, government की income बढ़ जाती है। तो high taxes में कम लोगों ने tax pay करना है, government की income कम हो जाएगी। Moderate या low taxes में ज्यादा लोगों ने tax pay करना है तो government का revenue बढ़ जाएगा। पहली बात ये इनकम टैक्स की बात है। अब कॉर्पोरेशन टैक्स देखिए, द रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स विच वाज वेरी हाई अर्लियर ये 35-36% के आसपास था बेटा, कभी कभी 40% भी चला जाता था, क्योंकि वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है। अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके से पहले हम लोग टैक्स इनपुट या टैक्स को कलेक्ट काउंट करते थे कि किसने कितना टैक्स पे करना है। अब क्या सिचुएशन है, has been gradually reduced. The effective corporate tax rate for domestic companies in India stands at 25.17% inclusive of all types of surcharges. Means government अब companies को सिर्फ 25% tax pay करना पड़ रहा है जो पहले 40% था, और ये काम अभी एक साल पहले हुआ है, ज्यादा पुराना नहीं है। 25.17% वाला ये जो बजट आया है, इससे पहले वाले बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि कॉर्पोरेट जो टैक्सेस है, कॉर्पोरेट रेट जो टैक्स का है वो हम लोगों ने अब कम कर दिया है। तो ये इनकम टैक्स का रेट भी कम हुआ रिफॉर्म्स में, कॉर्पोरेशन टैक्स का रेट भी कम हुआ, दोनों चीजें हमने ध्यान रखनी है। अनदर कॉम्पोनेंट ऑफ रिफॉर्म्स इन दिस एरिया इज सिंप्लीफिकेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले अगर आपने इनकम टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स पे करना है तो आपको इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स बोलते थे, सेल्स टैक्स या एक्साइज टैक्स वालों के ऑफिस में जाना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो आपको पता है करप्शन और ब्राइबरी चलती ही चलती है, लेकिन अब सारा का सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। आई माइसेल्फ हैव नॉट विजिटेड एनी इनकम टैक्स ऑफिस, रिटर्निंग माय इनकम टैक्स, आई एम फिलिंग माय इनकम टैक्स रिटर्न सिंस लास्ट 7 years. पिछले 7 साल से मैं अपना रिटर्न फिल कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। इनकम कुछ नहीं होती, इनकम जीरो ही रहती है, उसमें टैक्स कोई पे नहीं करना पड़ता। पिछले 7 साल से मैं अपना खुद का इनकम टैक्स रिटर्न फिल कर रहा हूँ, ऑनलाइन करता हूँ, अपने फ्रेंड्स का भी कर देता हूँ। एक बार भी हमारे पास ना तो कोई नोटिस आया, क्योंकि हमने कोई इनकम ही कितनी है हमारी।
ना हमारे पास आज तक कोई भी नोटिस आया, ना किसी इनकम टैक्स ऑफिसर का फोन आया, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथ, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि गवर्नमेंट ने इसे बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। ओके, चलिए ये भी टैक्स का रिफॉर्म हुआ। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखते हैं, ये आप सबको पहले से ही पता है, जीएसटी एक्ट 2016 बना और गवर्नमेंट ने, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है एक नंबर में कि ये कौन सा एक्ट है या ये कब केम इनटू इफेक्ट। फ्रॉम जुलाई 2017 गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को इंप्लीमेंट किया, लेकिन ये जीएसटी एक्ट 2016 कुछ दिन पहले 2016 में बन गया था। तो दीज वर द टैक्स रिफॉर्म्स। अगर हम उन्हें पॉइंट ये पे बात करें, नंबर एक क्या हुआ, इनकम टैक्स का रेट लो हो गया। सिंपल प्रोसीजर, अगर आप कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करें, ये भी लो हुआ और सिंपल प्रोसीजर। उसके बाद आप जीएसटी की बात करें, 1 जुलाई 2017 से केम इनटू इफेक्ट। ये तीन मेन टैक्स रिफॉर्म्स किए गवर्नमेंट ने। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जीएसटी। तो ये जो दोनों डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इन दोनों के रेट भी गवर्नमेंट ने कम कर दिए और इन्हें सिंपल सिंप्लीफाई भी कर दिया। इन्हें फिल करने का जो तरीका था वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया। और उसके बाद नंबर तीन, जीएसटी जो था, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के गवर्नमेंट ने सिर्फ जीएसटी को इंप्लीमेंट किया 1 जुलाई 2017 से। इसके लिए जीएसटी एक्ट 2016 बनाया गवर्नमेंट ने, जीएसटी एक्ट 2016। अब किसी ने कुछ पूछना है फ्रॉम टैक्स रिफॉर्म्स? टैक्स रिफॉर्म्स में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए बेटा। कोई पॉइंट आपकी बुक में लिखा हो, आपने पूछना हो। देख लिए एक बार अपनी बुक को, अदरवाइज हम टैक्स सेक्टर की तरफ चलेंगे। नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन? अब उसके बाद बेटा देखिए नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है मेरे ख्याल से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वाला। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, फॉर्म्स में गवर्नमेंट ने सिर्फ दो काम किए। नंबर वन आपने देखना है, 1991 से पहले पहले इंडिया में क्या सिस्टम था बेटा, कि फॉरेन एक्सचेंज पर गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल था। गवर्नमेंट डिसाइड करती थी एक्सचेंज रेट को किसी हद तक। जैसे आप बोल सकते हैं कि 1991 से पहले पहले हमारे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी एक्सचेंज रेट को। और बहुत ज्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता था कि ग्लोबल ट्रेड में, इंटरनेशनल बिजनेस में हमारा कोई बहुत बड़ा परसेंटेज शेयर या रोल नहीं था। वी वर जस्ट अ वेरी मिनिस्टर प्लेयर। तो 1990, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था। 1991 के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, इसे फ्लेक्सिबल कर दिया। और फ्लेक्सिबल ही नहीं, मैनेज फ्लोटिंग जिसे बोलते हैं, ये वाला सिस्टम कर दिया। मैनेज फ्लोटिंग की वजह से क्या हुआ, देखिए आप, अगर मैं अपने रुपीस का डीवैल्यूएशन करता हूं तो इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जरा देखने सोचें। अगर अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन करते हैं तो इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? डीवैल्यूएशन की वजह से मेरी करेंसी वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, मेरी करेंसी सस्ती हो जाती है, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगते हैं। यहाँ इन दिनों में एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं
और इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं बेटा। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, तो उससे क्या होगा देखिए। अब हमने कल डिस्कस किया था कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो बहुत छोटा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट्स ज्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे। अब रुपीस के डीवैल्यूएशन से, रुपये के डीवैल्यूएशन से ये सिचुएशन रिवर्स हो गई। अब एक्सपोर्ट बढ़ गए, इंपोर्ट कम हो गए, तो इसका, इस डीवैल्यूएशन का सीएडी पर क्या इफेक्ट होगा बताइए, ये सोचिए और बताइए। जानिए अभी क्वेश्चन का आंसर करता हूं बेटा मैं। डीवैल्यूएशन का सीएडी पर क्या इफेक्ट होगा? सीएडी विल डिक्रीज, करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं तो उससे इंडिया में फॉरेन करेंसी ज्यादा आएगी। अब सपोज कर लीजिए, पहले हम 100 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो 500 करोड़ के एक्सपोर्ट करेंगे। जब 500 करोड़ के एक्सपोर्ट करेंगे बेटा, तो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में ज्यादा आएगा, तो उससे सीएटी कम हो जाएगा और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ जाएगा। ये दो इफेक्ट हुए इसके, रुपीज के डीवैल्यूएशन के, और ये हमने पढ़ा भी था रुपी के डीवैल्यूएशन के। ये दो इफेक्ट हुए, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, इंपोर्ट कम हो गए, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ, विच इज गुड फॉर एनी कंट्री। देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए, विच आर, विच इज आल्सो ए गुड साइन फॉर एनी कंट्री। जैसे बॉडी के साइन होते हैं ना, बीपी, ब्लड प्रेशर आपका कितना है, टेम्परेचर कितना है, हार्ट बीट कितनी है, पल्स कितनी है, ऐसे ही मैंने आपको बताया था इकोनॉमी के भी साइन होते हैं, और ये दोनों ही किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ के वाइटल साइंस होते हैं, इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है। करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा, कम क्यों हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं, फॉरेन करेंसी ज्यादा इंडिया में आएगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ जाएंगे। ये सिचुएशन हुई सारी की सारी फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में। एनी क्वेश्चन? और अब हम मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम को फॉलो करने लगे। जनरली डिमांड एंड सप्लाई से फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आरबीआई भी इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस कर देती है। एनी क्वेश्चन? देख लीजिए कोई क्वेश्चन है किसी का, किसी भी स्टूडेंट का। टाइप कर दें आप अपना क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का बेटा। तो ये लास्ट एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, व्हाई वर डायरेक्ट टैक्सेस रिप्लेस्ड बाय इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटा किसी भी डायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स से रिप्लेस नहीं किया गया था। ये देखिए साइड में, यहां पर पहले सेल्स टैक्स, ऑक्टोरॉय, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी और सर्विस टैक्स, ये 1, 2, 3, 4, 5 और भी थे,
पहले इतने सारे टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, देखिए अगर कोने में लिखा हुआ है सेल्स टैक्स, ऑफकोर्स एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, सर्विस टैक्स, और भी स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्स लगा सकती थी। अब इन सबको खत्म करके एक टैक्स बना दिया गया है विच इज जीएसटी। ये कह रहा था मैं वहां पर ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस have been replaced with single GST। ये है बेटा, सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके सिर्फ एक इनडायरेक्ट टैक्स बना दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वर वी इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग द सेम प्रोडक्ट बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस? नो, नहीं बेटा, 1947 से पहले पहले हम जिन प्रोडक्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे वो फॉरेन सेक्टर वाला जो हमारा टॉपिक है, फॉरेन ट्रेड वाला जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में, उसमें ज्यादातर रॉ मेटीरियल होता था, मसाले होते थे या रेशम का कपड़ा या कॉटन वूल, ये सब जाता था और आता था तैयार माल। लेकिन 1947 के बाद सिचुएशन चेंज हो गई और बेसिकली मैं कहूंगा 1991 के बाद सिचुएशन चेंज हो गई। 1991 के बाद वी बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आईटी सर्विसेज। आईटी सर्विसेज का मतलब क्या होता है, जिसे आप और हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर, जिसे आप और हम लोग बोलते हैं बीपीओ, कॉल सेंटर, ये सब आईटी सर्विसेज का पार्ट है। बीपीओ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आईटी सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, हम इन सब यानी कि जितना भी टेक्नोलॉजिकल फील्ड था हम वो सब चीजें कंप्लीटली नहीं ज्यादातर वो एक्सपोर्ट करने लगे। उसके बाद जो डायमंड होता है ना, हीरा, जैसे वो बोलते हैं हीरा है सदा के लिए, डायमंड इज फॉरएवर, उस फिनिश्ड डायमंड के हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन गए, लेकिन जो रॉ डायमंड था उसके सबसे सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर बन गए। रॉ डायमंड जो माइंस में से निकलता है अफ्रीका में, वो हम परचेज करते हैं और उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर यूरोप और अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी हमारा एक बिग प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद मसाले जो होते हैं उनके हम हमेशा से बहुत बड़े एक्सपोर्टर रहे हैं। तो ये चीजें चेंज हो गई थी। फ्लोटिंग का मतलब होता है बेटा जब एक्सचेंज रेट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई से फिक्स होता है, कितने डॉलर की डिमांड है, कितने डॉलर की सप्लाई है, उन दोनों का मैच है या मिसमैच है, मिसमैच है तो वो किसकी साइड में ज्यादा है, उससे डिवैल्यूएशन होगा या डिवैल्यूएशन होगा, ये सब हम चैप्टर नंबर 11 में कवर कर चुके हैं। एनी अदर क्वेश्चन और शैल आई मूव फॉरवर्ड? टाइप कर दीजिए जल्दी से। अब लास्ट इसमें हम देखते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। कल एक स्टूडेंट मुझसे एमआरटीपी पूछ रहा था, वो यहां बताना है अपने लिए। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, ये सब चीजें आप आसानी से समझ जाएंगे बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड मोस्ट ऑफ दीज। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में सबसे पहले देखिए क्या है, इन ऑर्डर, ये मैं पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे, जो क्वेश्चन है आप अपना टाइप करके रखिए। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इंडिया वाज फॉलोइंग द रिजीम ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट। हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे जिसमें टेलीफोन कोटा होता था, किस लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। चलिए
अब बी पॉइंट देखता हूं मैं, एम ऑफ द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, जो ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म किए गवर्नमेंट ने उसके एम क्या थे। नंबर वन, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटी, डिसमेंटलिंग का मतलब हटा देना, फिनिश कर देना, खत्म कर देना, और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो जो कोटा सिस्टम था, अगर आपके पास नोट्स हैं, आपके पास पेन और कॉपी है, इस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बाद ब्रैकेट में लिख लीजिए डिसमेंटलिंग ऑफ कोटा सिस्टम, डिसमेंटलिंग ऑफ कोटा सिस्टम। जो कोटा था, जैसे मैंने आपको टेप रिकॉर्डर वाला एग्जांपल दिया था कि एक साल में 5000 टेप रिकॉर्डर मंगा सकते हैं, तो अब वो खत्म कर दिया गया था। आप कितनी भी क्वांटिटी में किसी भी खुद को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते थे, पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा, रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट। जो गवर्नमेंट ने पहले हाई टैरिफ, टैरिफ का मतलब टैक्स से होता है, जब आप फॉरेन से कोई चीज इंपोर्ट करेंगे उस पर जो टैक्स लगेगा दैट इज टैरिफ, तो वो टैरिफ गवर्नमेंट ने कम कर दिया बहुत। अभी भी कुछ चीजों पर ज्यादा रखा हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द गुड्स पे टैरिफ को, टैक्स को कम किया है बेटा। थर्ड क्या है, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट। अब गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करने के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो आपको, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ एक्सपीरियंस, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन वो लाइसेंस बहुत आराम से मिल जाता है। पहले उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर होता था, एंड करप्शन एंड ब्राइबरी का तो आपको पता ही है, वो अभी चलता ही होगा। देन मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू लिबरलाइज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया देख लेते हैं। इम्पोर्ट लाइसेंसिंग वाज एबोलिश्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ हजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। जैसे मैं अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, ज्यादातर प्रिंट में से इम्पोर्ट लाइसेंस को खत्म कर दिया, लेकिन उन 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 इंडस्ट्रीज या फील्ड्स को छोड़कर जो सेंसिटिव होते हैं, ताकि इंडिया में ऐसा भी होता है ना कभी कभी, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, चाइना एंड यूरोपियन कंट्रीज आर यूजर्स ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल रिएजेंट्स। अब वो क्या करेंगे, उनका जो वेस्ट होगा इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसे फिल करेंगे किसी शिप में और इंडिया भेज देंगे। अब इससे हमारा एनवायरनमेंट, ऑल्दो के हमें पैसे की इनकम तो हो जाएगी उसे डिस्पोज करने में, बट आर एनवायरनमेंट विल बी इन ग्रेव डेंजर, उसे भी हमें बचाना है। तो इसलिए जो हजार्डस और सेंसिटिव केमिकल्स हैं, उनको छोड़कर सभी के लिए इंपोर्ट लाइसेंसिंग को फिनिश कर दिया गया था। देन quantitative restrictions on imports of manufactured consumer goods and agricultural products were also fully removed from April 2001. Means अदरक देख लीजिए, दो चीजों को इन्होंने इसमें हाईलाइट किया है, बताया है स्पेसिफिकली, वो कौन सी है जरा समझ लें। क्वान्टिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स का मतलब पहले गवर्नमेंट के फिनिश्ड प्रोडक्ट को बाहर से इंपोर्ट करने के लिए मना किया हुआ था। फिनिश्ड प्रोडक्ट बाहर से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, उन्हें अलग अलग पार्ट्स में इंपोर्ट करेंगे, यहां लाकर असेंबल करेंगे, फिर मार्केट में बेचेंगे। अब उसे फिनिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और मैं इसका आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये जो मारुति की गाड़ियां आती है ना, मारुति 800, अगर आपकी 84 में स्टार्ट हुआ था बेटा, 84-85 में, अगर आप उस वक्त की गाड़ियां देखेंगे, तो अब जो गाड़ियां आती हैं वो होती है सीबीडी। सीबीडी का क्या मतलब होता है, कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स। पहले ऐसी नहीं आती थी वो, पहले गाड़ियां जब मारुति और सुजुकी का दोनों का आपस में टाइप हुआ, तो पहले सुजुकी गाड़ी को तैयार करके शिप में रख देती थी, शिप यहाँ पहुंचता था, गाड़ी कंज्यूमर के पास चली जाती थी। इंडिया में कुछ नहीं होता था, उसमें सिर्फ टायर लग गए, शीशा लगा दिया, ये काम होते थे, बेसिक पेटी वर्क्स। बाद में गवर्नमेंट ने यही उसे मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो यानी कि शुरू में ये सिस्टम था कि आप कंप्लीट मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स नहीं ला सकते थे, बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आप ऐसे भी ला सकते हैं, वैसे भी ला सकते हैं, एक ने दूसरे को खत्म नहीं किया। मींस आप बाहर से असेंबल्ड गुड, कंप्लीट गुड्स भी ला सकते हैं, गुड्स को पार्ट्स में भी ला सकते हैं, दोनों तरीके की फ्रीडम अब आपको मिल गई। Then export duties have been removed to increase the competitive position of Indian goods in the international market. Export duty means basically say export के taxes को खत्म कर दिया government ने, ताकि जब tax कम होंगे तो हमारा product जो है उसका MRP कम हो जाएगा, उसका maximum retail price कम हो जाएगा, वो दूसरी countries के goods के comparison में सस्ता हो
उसकी डिमांड अट्रैक्टिव हो जाएगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये तीनों पॉइंट में एक बार दोबारा से बता देता हूँ। इंपोर्ट लाइसेंस को खत्म कर दिया एक्सेप्ट सेंसिटिव केमिकल्स, फर्स्ट। सेकंड, अब आप फिनिश्ड या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी इंडिया में ला सकते थे, वो चाहे एग्रीकल्चरल हो या कंज्यूमर हो। और तीसरा, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को, एक्सपोर्ट टैक्स को खत्म कर दिया। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा है, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, ये देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, या ये क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ लिबरलाइजेशन फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ऐसे भी पूछ सकता है। नंबर वन, टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। जब आपने कोटा खत्म कर दिया, टैरिफ को कम कर दिया, फॉरेन गुड्स, फॉरेन ब्रांड्स भी इंडिया में आने लगे, तो इंडियन कंपनीज को अवेयर होना पड़ेगा, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के, हायर क्वालिटी के गुड्स इंडियन कंज्यूमर को अवेलेबल कराने पड़ेंगे। तो जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं वो कम्पिटिटिव बन जाएगी। अब क्यों? क्योंकि अब उन्हें एडिडास, अब बाटा या लिबर्टी को एडिडास या नाइकी से कंपटीशन करना है, तो उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि हाउ टू डू थिंग्स फर्दर। सेकंड, टू इंक्रीज एफडीआई इनटू द इकोनॉमी। अब जब हमने रूल्स एंड रेगुलेशन में ईज ऑफ कर दिया, रूल्स एंड रेगुलेशन को इजी कर दिया, तो अब बहुत सारे जो फॉरेन ब्रांड्स थे वो इंडिया में आने लगे। आप गूगल कीजिएगा, फॉरेन ब्रांड्स अवेलेबल इन इंडिया बिफोर 1991, फॉरेन ब्रांड्स अवेलेबल इन इंडिया आफ्टर 1991, तो आपको लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से ब्रांड थे जो 1991 से पहले नहीं थे। क्या ऐसे लिख दीजिएगा इसे, विच इंटरनेशनल ब्रांड्स एमएनसीज एंटर्ड इंडिया आफ्टर 1991 और री एंटर्ड इंडिया आफ्टर 1991, तो आप समझ जाएंगे कितने सारे ब्रांड्स ऐसे हैं, कितनी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऐसी हैं, कितने सारे एमएनसीज ऐसी हैं जो 1991 के बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से केम बैक और केम इनटू इंडिया, एफडीआई बढ़ गया उससे। थर्ड, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, चलिए साहब, टू इंक्रीज द यूज ऑफ मॉडर्न एंड वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, ये भी एक ही बात है। हम वर्ल्ड क्लास या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, हमारा प्रोडक्ट एमएनसी या वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, तो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को भी प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू, मीन्स प्रेफर वो करेगा जिसका बजट थोड़ा कम होगा, इट टू विल फील कि नहीं ये चीज भी ठीक है, इतनी खराब नहीं है, मीन्स वी कैन डू विद दीज गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए साहब, ये हमने लिबरलाइजेशन का टॉपिक पूरा कर लिया है। अब किसी ने कोई भी लिबरलाइजेशन एज ए होल टॉपिक में से किसी ने कोई भी कुछ भी पूछना है तो प्लीज टाइप योर क्वेश्चंस। आपने अपने क्वेश्चंस टाइप कर देने हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर 2-3 मिनट्स। ये प्लीज की स्पेलिंग गलत लिखी है, किसने लिखी है, कौन सा, दोबारा से एक्सप्लेन करना है बेटा, टॉपिक का नाम बताओ मुझे, टॉपिक का नाम बताइए, कौन सा टॉपिक दोबारा एक्सप्लेन करना है। अभी देखिए हमने कौन कौन से रिफॉर्म्स पढ़ लिए, लिबरलाइजेशन में सबसे पहले हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, देन टैक्स रिफॉर्म्स, देन फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, देन एक और टॉपिक है जिसमें इंडस्ट्रियल के बाद फाइनेंशियल, लेकिन यहां लिख देता हूं मैं, और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इन सब सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स किए गवर्नमेंट ने,
in the new economic policy of 1991. ये टॉपिक सबने कवर कर लिए हैं बेटा. इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, टैक्स में, फॉरेन एक्सचेंज में, क्रिएटिव इन्वेस्टमेंट में क्या रिफॉर्म्स किए. चलिए वी हैव गॉट 5 मिनट्स, तो मैं एक बार रीकैप कर देता हूं. इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने लाइसेंसिंग खत्म कर दी, रिजर्वेशन खत्म कर दिया. टैक्स रिफॉर्म्स में हमने आरबीआई को मैनेजर और रेगुलेटर की जगह फैसिलिटेटर का रोल दे दिया. फॉरेन एक्सचेंज में हमने फिक्स्ड से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की तरफ चले गए, डीवैल्यूएशन किया करेंसी का, उससे सीएडी कम हो गया और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था हमारा बढ़ गया. एज ऑफ टूडे अगर हम बात करें तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 500 बिलियन US डॉलर से ज्यादा है, जो हिस्ट्री में पहली बार किया है हमने. हमारा 590 तक गया, 5470 चल, सॉरी 490 तक गया, 473-474 चल रहा था जब क्लास में हम डीओपी वाले चैप्टर की बात कर रहे थे. लेकिन अब ये बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बिजनेसेस बंद हो गए हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर नहीं जा रहा है, तो वो 500 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गया है वन फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री. उसके बाद हमने फाइनेंशियल की बात हो गई. टैक्स की फॉर्म्स में हमने डायरेक्ट टैक्सेस के रेट को कम कर दिया और उन्हें फिल करने का प्रोसीजर भी बहुत ज्यादा इजी कर दिया. जीएसटी इंट्रोड्यूस किया 2016 जीएसटी एक्ट में और ये स्टार्ट किया, इंप्लीमेंट किया 1st जुलाई 2017 से. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में हमने टैरिफ कोटा को खत्म कर दिया. इंडस्ट्रीज के लिए हमने टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना आसान कर दिया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टैक्सेस को कम कर दिया. इंडियन इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने की परमिशन दे दी विदाउट एनी इंस्पेक्शन. ये सब रिफॉर्म्स किए हमने लिबरलाइजेशन में. लिबरल का मतलब होता है ढील दे देना, छूट दे देना. तो ये सब काम हमने किए. अगर इसमें कल हमने प्राइवेटाइजेशन वाला टॉपिक कवर करना है नोट्स में आपको थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा. 1st जुलाई से आपके एग्जाम होने हैं, अपने सभी साथियों को बता दीजिएगा. जो अभी क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो एग्जाम अटेम्प्ट करने कंपलसरी होंगे, क्योंकि वी डोंट नो हाउ सीबीएसई विल इंप्लीमेंट इट्स एग्जामिनेशन पॉलिसी नेक्स्ट ईयर. तो सभी एग्जाम आपने सीरियसली अटेम्प्ट करने हैं, 100% अटेम्प्ट करने हैं. अपने सभी फ्रेंड्स को बता दीजिएगा जो यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हैं. कोई क्वेश्चन है तो टाइप कर दीजिए, अदरवाइज इट इज टाइम टू से थैंक यू. कोई क्वेश्चन है तो टाइप कर दीजिए बेटा, अपने नोट्स देख लीजिए, बुक देख लीजिए, एनसीईआरटी की बुक देख लीजिए. वेट कर रहा हूं मैं अभी एक मिनट तक, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो. घर में रहना है सबने, किसी ने बाहर नहीं जाना है. अभी कोविड-19 जो है अभी कोविड-19 जो है मौजूद है पहले जितना ही. घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए. वो 8-10 घंटे वाला रूटीन जो आप पढ़ाई को फॉलो कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखिए बेटा. अब धीरे धीरे आपने उसे बढ़ा देना है, 12 आवर्स कर देना है. आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स 80-90% स्टूडेंट्स ने तो कर भी दिया होगा. 90% स्टूडेंट्स ने तो 12 आवर्स वाला अपना पढ़ाई का रूटीन इंप्लीमेंट भी कर दिया होगा. तो जिन 10% ने नहीं किया है वो भी जल्दी से कर दे. अब 8-10 आवर्स से काम नहीं चलने वाला. 1st जुलाई से आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे, 1st और 2nd जुलाई से. अब 12 आवर्स वाला प्रोसीजर फॉलो कर दीजिए. सिलेबस जो है वो आपको फ्राइडे सैटरडे तक सिलेबस और डेट शीट बता दी जाएगी. वेट टिल देन फॉर डेट शीट एंड सिलेबस ऑफ जुलाई एग्जामिनेशन. हॉलीडे उम्र भी आपको तब तक मिल जाएगा. आई डोंट थिंक वी हैव गॉट एनीथिंग एल्स टू टॉक. कोई क्वेश्चन नहीं आया है मेरे पास. चलिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे, बाय. यस, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आना है बेटा. 3 आवर्स 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आना है.